हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार हमारे यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्लास 10th का इंग्लिश का 6th क्लास है, जिसमें आप लोग पढ़ने वाले हो इंग्लिश ग्रामर का 10th का पार्ट 6। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले 5 पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो जो जो विद्यार्थी पिछले 5 पार्ट को नहीं देखे हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 5ों पार्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग जाके पिछले क्लासों को देख ले, ताकि आपको आज का क्लास अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। और इससे पहले यदि अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो, तो नीचे में जो रेड कलर का बटन दिख रहा है, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में बेल आइकॉन की घंटी है, उसको भी दबा दीजिए और क्लास करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आप लोग एक बार रूटीन को देख लीजिए कि हमारे चैनल में जो आप लोगों का क्लास करवाया जा रहा है, वो कौन सा दिन में कौन सा क्लास होता है। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिए। देखिए, मंडे को होता है मैथमेटिक्स प्लस साइंस, ट्यूसडे को होता है सोशल साइंस, वेडनेसडे को होता है मैथमेटिक्स प्लस साइंस, थर्सडे को होता है इंग्लिश, और फ्राइडे को होता है मैथमेटिक्स प्लस साइंस, उसके बाद सैटरडे को होता है हिंदी या फिर सोशल साइंस। ये आपका पूरा रूटीन है, जो कि आपको हमारे चैनल द्वारा इसी हिसाब से आप लोगों को बताया जा रहा। ठीक है, तो जो जो विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए और क्लास करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्लास को। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अभी जो आप लोगों का क्लास चल रहा है, वो 10th का चल रहा है। ठीक है, और 10th में आप लोगों का प्रेजेंट टेंस जो है, वो पिछले 5 क्लासों में कंप्लीट कर दिया गया है। तो जो जो विद्यार्थी पिछले 5 क्लासों को नहीं देखे हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके देख ले। ठीक है, तो आज आप लोग पढ़ने वाले हो पास्ट टेंस के बारे में। ठीक है, तो पास्ट टेंस के टोटल 4 भागों में बांटा गया है, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं सबको एक एक करके। तो सबसे पहले आज आप लोग पढ़ने वाले हो सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है। देखिए, सिंपल पास्ट टेंस जो होता है, वो जिस क्रिया के अंत में ई, ए या वे, ई इत्यादि लगा रहे, उसे सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझिए। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने खाया। ठीक है दोस्तों, मैंने खाया, तो लास्ट में क्या लग रहा है, या लग रहा है। तो देखिए, यहाँ पर या है। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, तो जिस क्रिया के अंत में ये सब लगा रहे, ठीक है, जो कुछ भी यहाँ पर दिया हुआ ये सब लगा रहे, तो वह क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस होगा। ठीक है, चलिए अब इससे जितने भी सेंटेंस बनते हैं, चलिए इसको एक एक करके पढ़ते हैं। आप देखिए, सबसे पहले बनता है एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है, वह होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। यह छोटा सा फॉर्मूला है, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए, जैसे कि मैंने खाया, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, मैंने खाया, तो इसको आप क्या लिखोगे, आई ईट। ठीक है दोस्तों, आई ईट, सिर्फ आई ईट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहां पर क्या है, मैंने, उसके बाद खाना का क्या होता है दोस्तों, ईट। ठीक है, तो ईट मैंने लिख दिया। उसके बाद देखिए, जैसे कि सीता गई, तो देखिए यहां भी ई लगा हुआ है, यहां या लगा हुआ है। ठीक है, मतलब ये सब क्या है, ये सब है पास्ट टेंस। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में है। ठीक है, तो देखिए सीता गई, तो सीता क्या है, सीता, उसके बाद वेंट, जाना का क्या होता है, गो, और यदि गो का यदि आप वर्ब 2 में लिखोगे, वर्ब 2 में गो को यदि लिखोगे, तो गो का होता है वेंट। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखिए नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है, वह होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है, इसको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद जैसे कि आपको यदि कोई पूछ दिया कि लड़के विद्यालय नहीं गए थे, इसको इंग्लिश में आप कैसे ट्रांसलेट करोगे, तो आपको इंग्लिश में इसको कैसे ट्रांसलेट करना, देखिए यहाँ भी ए लगा हुआ है। ठीक है, मतलब ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस में है। ठीक है, तो इसको आप कैसे चेंज करोगे, सबसे पहले हमको चेंज करना है यहाँ पर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, बॉयस है। ठीक है, तो द बॉयस पहले लगा दिए। उसके बाद हमको क्या लगाना है, यहाँ पर डिड लगाना है, तो यहाँ पर सबसे पहले डिड लगा, उसके बाद क्या लगा, नॉट लगा, तो नॉट लगाएं। उसके बाद क्या लगाना है आपको, वर्ब 1। ठीक है, तो इसमें आपको वर्ब 1 लगाना है, तो यहाँ पर जाना, ठीक है, जाने का बात हो रहा है, गया, तो जाने का बात हो रहा है, तो जाना का होता गो, उसके बाद जो
ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्कूल, ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे द बॉयस डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तो ये इसका जो है सही ट्रांसलेट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए वे मेरी मदद करना नहीं चाहते हैं, तो इसको आप कैसे ट्रांसलेट करोगे, जैसे कि वे का क्या होगा, दे सबसे पहले वे का दे होता है, उसके बाद आपको डिड नॉट लगाना है, तो डिड नॉट लगाया, उसके बाद यहाँ पर जो है वर्ब वन, ठीक है। तो चाहना यहाँ पर क्या है, चाहना, चाहना का क्या होता है दोस्तों, वांट होता है, ठीक है। चाहना का वर्ब वन में होता है वांट, ठीक है। तो वांट टू हेल्प मी, तो हेल्प मी यहाँ पर क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये फॉर्मूला सब जितने भी है ये सभी को आप लोग नोट करते जाइएगा, आराम से आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है ये है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए, जैसे कि क्या लड़के स्कूल गए, ठीक है, क्या लड़के स्कूल गए यदि आपको बोलेगा, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट आपको कैसे करना है, तो आपको इंग्लिश में सबसे पहले इसको डिड लगाना है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला में डिड दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले डिड लगाया, उसके बाद हमको सब्जेक्ट लगाना है, यहाँ जो सब्जेक्ट है तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, लड़का, लड़का का बात कर रहा, तो लड़का का क्या होता है बॉयस, यहाँ पर लड़के हैं मतलब एक से ज़्यादा लड़का, ठीक है। तो द बॉयस हो गया, उसके बाद वर्ब वन, यहाँ पर जाना का क्या होगा, गो होगा, तो गो यहाँ पर लिख दिया गो टू स्कूल, स्कूल क्या है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में पूरा आप बैठा दीजिएगा तो आराम से आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है क्या तुमने गाली दी, ठीक है, क्या तुमने गाली दी, तो इसको क्या लिखना है, सबसे पहले डिड, तो डिड लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है तुमने, तुमने है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर यू लगाया, तुम का यू होता है, उसके बाद गाली देना, गाली देना का क्या होता है अबाउस होता है गाली देना का, ठीक है। आप लोगों को यदि वर्डमिलिंग याद नहीं है तो आप लोग वर्डमिलिंग याद कीजिए, आप लोग जो डिक्शनरी आता है, ठीक है, डिक्शनरी आता है टेंथ का अलग से डिक्शनरी आता है, तो आप लोग डिक्शनरी खरीद सकते हो और उसमें आपको बहुत सारा वर्डमिलिंग मिल जाएगा। तो आप लोग वर्डमिलिंग को भी याद करते चलिए, डेली कम से कम 20 से 25 को आप लोग वर्डमिलिंग जरूर याद कीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब देखते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है यह होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए इसको भी एग्जांपल के माध्यम से समझिए, क्या राम के पिता ने राम को नहीं पीटा, ठीक है। यदि आपको इसको इंग्लिश में इतना लंबा को यदि आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आप इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे, देखिए यही सिर्फ फॉर्मूला में आपको बैठा देना है, ये फॉर्मूला में, ठीक है। सबसे पहले आपको डिड लगाना है, तो यहाँ पर डिड लगाया, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, राम है, ठीक है। तो यहाँ पर राम लगाया, ठीक है, राम, राम के बाद यहाँ पर बता रहा राम के पिता, तो राम के फादर यहाँ पर हो गया, ठीक है, राम के फादर। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या लगाना है, उसके बाद यहाँ पर आपको लगाना है दोस्तों नॉट, ठीक है, यहाँ पर नॉट लगाना है। उसके बाद नॉट के बाद आपको क्या लगाना है, वर्ब वन, तो यहाँ पर पीटना का होता है बीट, ठीक है, पीटना का क्या होता है बीट होता है पीटना का, तो वर्ब वन में यही हो जाएगा बीट। उसके बाद यहाँ पर किसको नहीं पीटा, तो राम को नहीं पीटा, राम के पिता ने राम को नहीं पीटा, ठीक है। तो राम यहाँ पर हो जाएगा डिड राम्स फादर्स नॉट बीट राम, ठीक है। तो ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या आपने मैच जीतने की कोशिश नहीं की, तो इसको आप इंग्लिश में यदि ट्रांसलेट करोगे तो सबसे पहले डिड लगाएंगे, तो डिड लगाया, उसके बाद आपने, आपका होता है यू लगाया, उसके बाद क्या लगाना नॉट, ठीक है, तो नॉट लगाया, उसके बाद कोशिश करना यहाँ पर है ना, कोशिश का होता है ट्राई, ठीक है, तो ट्राई किया, तो ट्राई टू विन द मैच, ठीक है। तो विन द मैच ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा दिया, तो ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट होता है दोस्तों क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस, ठीक है। देखिए क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला लगता है यह होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको यदि आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे सबसे पहले, तो इसका एग्जांपल के माध्यम से देख लीजिए आप, आपने परीक्षा की तैयारी कैसे की, तो इसमें बीच में लगता है क्वेश्चन मार्क और ये सब में लास्ट में लगा क्वेश्चन, पहले, सबसे पहले यहां पर पहले क्या लगा, क्या लगा है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये बीच में पूछ रहा है, देखिए यहां बीच में पूछ रहा है, यहां भी बीच में पूछ रहा है, ठीक है। तो
यहाँ देखिए इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले पूछ रहा है यहाँ, आपने परीक्षा की तैयारी कैसे की? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैसे, कैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कैसे का होता है हाउ, ठीक है, हाउ। उसके बाद क्या लगाना है यहाँ पर, डिड। तो यहाँ पर डिड लगाया, उसके बाद आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आपने, आपने यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो आपका होता है यू, तो यू लगाया। उसके बाद आपको क्या बताना है यहाँ पर कि परीक्षा की तैयारी, ठीक है, परीक्षा की तैयारी, तो तैयारी का होता है यहाँ पर प्रिपेयर, ठीक है, प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। तो ये इसका पूरा सही ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, राम से सीता को, नहीं राम ने, यहाँ पर ने होगा, ठीक है दोस्तों, ये जो है ट्रांसलेट में गलती हो गया, यहाँ पर ने होगा, राम ने सीता को क्यों पसंद किया, ठीक है, राम ने सीता को क्यों पसंद किया। तो इसको यदि आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा तो आपको कैसे करना, सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यह है क्यों पूछ रहा, तो क्यों का होता है वाई होता है, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा दिया। उसके बाद आपको क्या लिखना है यहाँ पर, डिड। तो यहाँ पर डिड लगाया, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर राम है, तो राम लगाया, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद राम, उसके बाद राम के बाद आपको क्या लगाना है, लाइक टू सीता, मतलब जो ऑब्जेक्ट है सबसे पहले यहां पर पसंद करना, पसंद करना का लाइक होता है, ठीक है, लाइक, तो पसंद करना का वर्ब वन लिख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, सीता। तो ये इसका सही ट्रांसलेट हो गया दोस्तों। तो ये आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, मैं आपको पूरा बता दिया, ठीक है दोस्तों। तो यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है कॉमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, और इसका आपको पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है। आप लाइन पे आप जो है देखते रहिए पूरा वीडियो को, आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि कहां पर आपको देखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है, जहाँ से आप कोई भी ऐप या कोई भी गेम डाउनलोड करते हो, ठीक है, वहीं पर जाना प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है, टेलीग्राम को। इसको जब आप डाउनलोड कीजिएगा तो आपके पास में इस प्रकार का एक एप्लीकेशन खुल के आएगा, इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है अपना मोबाइल नंबर दे के, ठीक है, मोबाइल नंबर दे के इसको खोल लीजिएगा। और खोलने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर इसमें भी जब आप इसको खोल लेगा तो ऊपर में आपका एक सर्च करने का स्थान आता है, ठीक है, सर्च करने का, जहां पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। तो वहां पर आपको मेरे चैनल का नाम सर्च करना है, ये के आर एग्जाम, इसको जब आप सर्च करोगे दोस्तों तो आपके पास में इस प्रकार का लोगो आएगा एक खुल के, मेरे चैनल का लोगो इस प्रकार का, ठीक है। इसको आप क्या कीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। जब आप इस लोगो को क्लिक कीजिएगा तो नीचे में आपका लिखा रहेगा JOIN, ज्वाइन लिखा रहेगा, मतलब आपको ज्वाइन करने के लिए बोलेगा, तो वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपको जितना भी यहाँ से क्लास करवाया जाता है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, जितने भी क्लास होता है सभी का आपको पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा, और सभी क्लास का इंफॉर्मेशन भी आपको वहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डाल दिया जाएगा, जो टेंथ का व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें भी आपको सारा जानकारी मिलता है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे में रेड कलर का बटन है उसको दबा के, साइड में बेल आइकन की घंटी है उसको भी दबा दीजिए, और चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।